बचपन में आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, मारेंगे कम और दौड़ाएंगे ज्यादा। उत्तराखंड में एक बीजेपी नेता का हाल ऐसा ही हो गया। राजनीति के चक्कर में बीजेपी नेता पिटते पिटते बचे, जान बचाने के लिए उनको मिल्खा सिंह बनना पड़ा। उनके भीतर तो आज टार्जन की आत्मा भी उतर आई। ये भागा, देखो देखो वो भागा, अरे भाई दीवार फांद गए, अरे ये क्या, ये हॉलीवुड वाले एक्शन भी करने लगे, देखो देखो दूसरी दीवार भी फांद गए, भागो भागो। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ से सामने आई हैं। वीडियो में दिख रहे नेता का नाम है पंकज भट्ट। पंकज भट्ट चौबे बनने चले थे, लोगों ने दूबे बनाकर घर भेज दिया। पंकज भट्ट ऊखी मठ में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों की रैली का समर्थन करने पहुंचे थे। ऊखी मठ बाजार से तहसील तक तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश रैली निकाल रखी थी। पंकज भट्ट को रैली में देखते ही तीर्थ पुरोहित आपे से बाहर हो गए। फिर क्या था, भागम भाग की हालत में रेल बना दिए गए पंकज भट्ट। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता पंकज भट्ट सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के करीबी माने जाते हैं, इसलिए जैसे ही तीर्थ पुरोहितों को इसकी भनक लगी उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उसके बाद भट्ट साहब का लोगों ने कैसे भुट्टा बना डाला। तीर्थ पुरोहितों ने उनकी कार को घेर लिया, कार के सारे दरवाजे पर लोग खड़े हो गए और बुरी तरह मारने पर उतारू हो गए। पंकज भट्ट के सामने भागने का रास्ता नहीं बचा था। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की गई। पंकज किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कार में बैठे, लेकिन लोगों ने उनकी कार को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उनके बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे नाकाम रहे। उनकी गाड़ी भगाने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी ऐसी जगह फंस गई कि पिटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। किसी तरह पंकज अपनी कार से निकले और भागकर एक ऊंची दीवार को फांद गए। बाद में वहां मौजूद घरों से होते हुए बचकर निकल गए। इस दौरान भीड़ उनके पीछे लगातार भागती रही और अपशब्द कहती रही। हालांकि तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि बीजेपी नेता ने तहसील गेट पर जानबूझकर गलत ढंग से गाड़ी पार्क कर दी थी, जिससे ये रैली तहसील ना जा सके। बस इसी बात को लेकर कूटे गए। जबकि पंकज भट्ट का आरोप है कि उन्होंने सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है, तीर्थ पुरोहितों के वेश में छिपे कुछ राजनीतिक मंशा वाले लोगों ने इसलिए उन पर हमला कर दिया। वैसे सच क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। वैसे भी यूपी उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं के दिन ठीक नहीं चल रहे। पब्लिक इतनी नाराज हो गई है कि सीधे दौड़ा दौड़ा कर ही पीटती है।